नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, इस कहावत को तो आपने अक्सर सुना होगा कि लाड कर्या से बेटा बिगड़े, आजादी से बेटी। प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसे पिता की और एक ऐसी बेटी की कहानी है जो आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। इस कहानी को हर उस पिता को सुनना चाहिए जिसके घर में बेटी ने जन्म लिया है। हर बेटी के माता पिता को आज की कहानी को जरूर सुनना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहते। उस सेठ के काफी दिनों तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन अंत में जाकर के एक पुत्री की प्राप्ति होती है। अब वो सेठ और सेठानी अपनी पुत्री से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपनी पुत्री से बेइंतहा लाड़ प्यार करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब सेठ के घर में पुत्री जन्म लेती है तो सेठ अपनी पुत्री के लिए हर वो चीज लेके आता है जिसकी उसको आवश्यकता होती है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से सेठ अपनी पुत्री का बेइंतहा ख्याल रखता और हर समय अपनी पुत्री से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। कभी भी अपनी पुत्री को किसी भी काम के बारे में नहीं कहता। अब धीरे धीरे उसकी पुत्री बड़ी होने लगती है। अब जैसे उसकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होती है, तो भी सेठ और सेठानी अपनी पुत्री से कभी कुछ नहीं कहते। उसकी पुत्री धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगी। सेठ और सेठानी अपनी पुत्री के लिए ऐसे ख्वाब देखते थे, सपने देखते थे कि हमारी पुत्री बड़ी होने के बाद एक अच्छा रिश्ता करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब जैसे सेठ की पुत्री बड़ी होती है तो इतनी नकारा हो जाती है, इतनी निठल्ली हो जाती है कि अपने माता पिता की एक भी बात को नहीं सुनती है। दिन भर इधर उधर लड़कों के साथ घूमती रहती है। सेठानी जब सेठ से इस बात को कहती कि सेठ जी, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है और अब इसको घर में रहना चाहिए, तब सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि सेठानी अभी बच्ची है और समझ जाएगी। यही कहकर सेठ उस बात को टाल देता और अपनी पुत्री से कुछ भी नहीं कहता था। अब सेठ की पुत्री नहीं तो स्कूल जाती, नहीं पढ़ाई करती, दिन भर इधर उधर आवारा गर्दी में घूमती रहती। उसकी संगत ऐसे लोगों के साथ थी, ऐसे लड़कों के साथ थी जो दिन भर आवारा गर्दी में घुमा करते थे, दारूबाजी, तरह तरह के शौक किया करते थे। ऐसे लड़कों के साथ उस सेठ की लड़की का उठना बैठना था। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे वो समय आता है जब सेठ को भी चिंता सताने लगती है कि अब उनकी बेटी जवान हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, जब किसी के घर में बेटियां जवान हो जाती है तो हर माता पिता को एक चिंता छताने लगती है। वो चिंता होती है कि वो अपनी पुत्री के हाथ पीले करें, यानी उसका विवाह करें, और ये चिंता हर माता पिता को होनी भी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब सेठ और सेठानी को भी यही चिंता छताने लगती है क्योंकि उनकी पुत्री जवान हो चुकी थी। अब सेठ अपनी पुत्री के लिए अच्छा वर ढूंढता है, अच्छा रिश्ते की तलाश करता है। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे नसीब से सेठ को एक अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है। जब सेठ अपनी पुत्री के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेता है, संस्कारी लोग ढूंढ लेता है, तब सेठ अपनी पुत्री की बड़ी धूमधाम से शादी करता है। सेठ अपने जीवन भर की जमा पूंजी को अपनी पुत्री की शादी में लगा देता है और बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह करता है। प्रिय दर्शकों, जब सेठ की पुत्री का विवाह हो जाता है और सेठ की पुत्री डोली में बैठकर अपने ससुराल को चली जाती है। प्रिय दर्शकों, अब सेठ की पुत्री अपने ससुराल में पहुंच जाती है।
अब जैसी ससुराल में पहुंचती है तो प्रिय दर्शकों, दो दिन ससुराल में लुकने के बाद फिर से अपने पीहर को आ जाती है और पीहर को आने के बाद फिर से अपने ससुराल में जाती है। जब दोबारा अपने ससुराल में जाती है तो प्रिय दर्शकों, अब सेठ की पुत्री अपने ससुराल वालों की किसी की भी नहीं सुनती। सेठ की पुत्री की सांस यदि कुछ कहती तो उसको दो भाषण सुनाया करती। उसका ससुर भी यदि उससे कुछ कहता तो उसको भी चार बातें सुनाया करती। उसके जेठ जेठानी देवर दौरानी यदि कुछ कहते तो उनको भी गाले गलौज किया करती। जब इस तरीके का माहौल उस परिवार में हो जाता है तो प्रिय दर्शकों, तब उस लड़की के सास ससुर अपने पुत्र से कहते हैं कि पुत्र, तुम्हारी बहू को समझाओ, ये हमसे जबान लड़ाती है। तब उस लड़की का पति अपनी पत्नी से कहता है, यानी उस लड़की से कहता है कि तुम मेरे माता पिता से जबान क्यों चलाती हो। प्रिय दर्शकों, तब वो लड़की अपने पति को भी भला बुरा सुना देती है। अब मुश्किल से मुश्किल उसको 5-7 दिन ससुराल में हो जाते हैं और 5-7 दिन अपने ससुराल में रुकने के बाद तुरंत अपने पिता को फोन करती है और अपने पिता को फोन करके अपने पिता से कहती है कि पिताश्री, तुरंत आओ और इस नरक से मुझे अपने घर ले चलो। अपनी बेटी का फोन सुनने के बाद अब वो सेठ बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा चिंतित हो जाता है। सोचने लगता है कि मेरी पुत्री का मैंने अभी विवाह किया है और बड़े धूमधाम से विवाह किया है और जो रिश्ता मैंने मेरी पुत्री के लिए ढूंढा था वो रिश्ता भी बड़ा संस्कारी था। वहाँ के सभी लोग बड़े संस्कारी थे, लेकिन मेरी पुत्री का कहना है कि पिताश्री अभी आओ और अभी मुझे पीहर ले चलो, इस नरक में मुझे नहीं रहना है। प्रिय दर्शकों, यही सोचता हुआ सेठ अपनी पुत्री के ससुराल पहुंचता है। अब जैसे सेठ अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचता है तो प्रिय दर्शकों, उस सेठ से नहीं तो उसकी समधनी बात करती है, नहीं समधी बात करता है और नहीं उसके जवाई सा बात करते हैं। उसकी पुत्री के ससुराल वाले सभी उस सेठ से मुंह फुला लेते हैं। तब सेठ अपने मन में सोचने लगता है, हो सकता है कि मेरी पुत्री की अपने सास ससुर से जरूर कोई अनबन हुई होगी। यही सोचकर सेठ पहले सभी को प्रणाम करता है, राम राम करता है, लेकिन कोई भी प्रति उत्तर नहीं देता है। तो अब सेठ सीधे अपनी पुत्री के कमरे में जाता है और अपनी पुत्री से जाके कहता है कि पुत्री, ऐसी क्या बात है, तुम्हारे ससुराल वाले इतने नाराज क्यों हैं, कोई भी बात नहीं करता है। प्रिय दर्शकों, तब सेठ की पुत्री अपने पिता से कहती है कि पिताश्री, इस नरक से मुझे तुरंत ले चलो, तुमने मुझे कौन से नरक में डाल दिया है, इस नरक में मुझे एक पल भी नहीं रहना है। तब सेठ अपनी पुत्री को लेकर और अपनी पुत्री के ससुराल के घर से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही घर से बाहर कदम रखता है, आगे आगे सेठ चलता है और पीछे उसकी पुत्री आती है। जब मकान से बाहर निकलते हैं तो बाहर उनकी समधन मिलती है, यानी सेठ की लड़की की सास मिलती है। तब सेठ से उसकी समधन कहती है कि तुम्हारी पुत्री को यहां से तुरंत ले जाओ और दोबारा मेरे घर में मत भेजना, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। तुमने पुत्री पैदा नहीं की है, तुमने डायन पैदा की है, इस डायन की हमारे घर में जरूरत नहीं है और दोबारा हमारे घर में इसको भेजने की हिम्मत भी मत करना। इतना कहकर सेठ की समधन अपने मकान में चली जाती है। जब आगे जाते हैं तो उनका जवाई मिल जाते हैं। उनका जवाई भी सेठ से कहता है कि तुम्हारी पुत्री की हमें जरूरत नहीं है, इसको तुरंत यहां से ले जाओ। अब सेठ अपनी पुत्री को लेकर रस्ते रस्ते रवाना हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो सेठ अपनी पुत्री से पूछने लगता है कि पुत्री, अब तुम बताओ तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं। तब सेठ की पुत्री अपने पिता से कहती है कि पिताश्री, पूछो मत, ये तो पूरा नरक है, इसमें लोग नहीं रहते हैं, इसमें सारे भूत रहते हैं। तब सेठ अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, अब तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारी सांस कैसी है। तब सेठ की पुत्री कहती है कि पिताश्री, उस डायन के बारे में तो पूछो ही मत, वो तो एकदम डायन है, उड़कर खाती है।
और बात बात पर चिल्लाती रहती है, मेरी तो एक भी नहीं सुनती है। तब सेठ कहता है कि पुत्री ठीक है, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे ससुर कैसे हैं। तब सेठ की पुत्री कहती है कि पिताश्री वो तो एकदम यमदूत हैं, उसके बारे में तो बात ही ना करो। प्रिय दर्शकों, तब सेठ कहता है कि पुत्री चलो उसको छोड़िए, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे जेठ कैसे हैं। तब सेठ की पुत्री कहती है कि पिताश्री वो तो लुच्चे लफंगे हैं, वो तो एकदम लुच्चे लफंगे हैं, देवर जेठ दोनों के बारे में ही बात मत करो। प्रिय दर्शकों, तब सेठ कहता है कि चलो छोड़िए, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे पति कैसे हैं। तब सेठ की पुत्री कहती है कि पिताश्री कि वो तो मेरा पति नहीं है, वो तो एकदम यमराज है, यमराज की तरह हर वक्त मुझे मारता पीटता रहता है, इसीलिए उस दुष्ट का नाम भी मत लो। प्रिय दर्शकों, अब अंत में सेठ अपनी पुत्री से पूछता है और कहता है कि पुत्री चलो छोड़िए, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी कैसे हैं, वो तो सही होंगे। तब सेठ की पुत्री अपने पिता से कहती है कि पिताश्री यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, ये सब तो बदमाशों का मोहल्ला है, इस पूरे गांव में बदमाश ही रहते हैं, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं है। अपनी पुत्री की इतनी बात को सुनने के बाद अब सेठ समझ जाता है, सेठ बड़ा चतुर था, सेठ भी समझ जाता है कि हो सकता है मेरी पुत्री के ससुराल वाले खराब हो, मेरी पुत्री का ससुर खराब हो, मेरी पुत्री की सास खराब हो, इसके देवर जेठ भी खराब हो सकते हैं, इसका पति भी खराब हो सकता है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी तो खराब नहीं हो सकते। इसीलिए सेठ अपने मन में सोचता है कि जितना दोष है मेरी पुत्री में दोष है, मेरे लाड़ प्यार की वजह से मेरी पुत्री बिल्कुल नकारा हो गई है, बिल्कुल बिगड़ चुकी है, इसीलिए सारा दोष मेरी पुत्री में है। प्रिय दर्शकों, यही सोचता हुआ सेठ अपनी पुत्री को अपने घर ले जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है और ये बिल्कुल सत्य भी है कि माता पिता अपनी पुत्री की हजार गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन सास ससुर कभी भी माफ नहीं करते हैं, इसलिए जितना हो सके अपनी पुत्रियों को अच्छे संस्कार दीजिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद सेठ अपनी पुत्री को अपने घर ले जाता है। जैसे ही सेठ की पुत्री अपने घर में कदम रखती है, वैसे ही उसकी दो भौजाई थी, दोनों भौजाई बाहर आ जाती हैं और अपनी ननद से बिल्कुल मुंह फुला लेती हैं, उनसे बात भी नहीं करती हैं। जब सेठ की पुत्री अपने पिता से कहती है कि पिताश्री आज मेरी भाभियों को क्या हो गया है, दोनों की दोनों ही मेरे से बात नहीं कर रही है। तब सेठ कहता है कि यदि तुम्हारी भाभी तुमसे बात नहीं कर रही है तो पुत्री तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। इतना कहकर अपनी पुत्री को अपने कमरे में भेज देता है। अब प्रियदर्श को उस सेठ की पुत्री से उसके पीहर में कोई भी सही तरीके से बात नहीं करता है, नहीं तो उसके भाई बात करते हैं और नहीं उसकी भौजाई बात करती है और नहीं सही तरीके से उसकी माँ बात करती है, सिर्फ और सिर्फ सेठ ही अपनी पुत्री को लाड़ प्यार करता था। अब धीरे धीरे कुछ समय निकल जाता है, कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सेठ की पुत्री अपने पिता से कहने लगती है कि पिताश्री मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया है और मैं अब मरना चाहती हूं, क्योंकि ससुराल वाले भी मुझे नहीं चाहते हैं, वो भी पूरे यमराज हैं और यहां पीहर में भी कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, कोई मुझसे बात नहीं करता है। प्रिय दर्शकों, तब सेठ अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री तुम चिंता मत करो, सभी का समाधान होगा, हमारे गांव में एक बहुत पहुंचे हुए संत आए हैं, मैं उस संत के पास जाता हूं, वो जरूर कोई कोई उपाय बताएंगे। इतना कहकर वो सेठ अपने घर से बाहर निकल जाता है, थोड़ी देर बाजार में घूम के वापिस अपने घर को आता है और अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री मैं संत के पास गया था, उन्होंने मेरे को उपाय बताया है, यदि इस उपाय को तुम करती हो तो तुम्हारे ससुराल वाले सभी तुम्हारी मुट्ठी में होंगे और तुम अपने ससुराल वालों पर राज कर सकती हो, तुम रानी बन के रहोगी। तब सेठ की पुत्री अपने पिता से कहती है कि पिताश्री वो उपाय तुम जल्दी बताओ।
तब सेठ अपनी पुत्री को उपाय बताता है और सेठ कहता है, सेठ अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, संत महाराज ने दो उपाय बताए हैं और दोनों को एक साथ करना है। तब सेठ की पुत्री कहती है कि पिताश्री, आप उपाय तो बताओ। सेठ अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, कि सबसे पहले तो मौन रहने का है। यदि तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे कुछ भी कहते हैं तो तुमको बिल्कुल मौन रहना है, किसी भी बात का जवाब नहीं देना है। यदि तुम जवाब दोगी तो तुम्हारी साधना भंग हो जाएगी, इसलिए तुम्हें बिल्कुल मौन रहना है। सेठ कहता है कि पुत्री, दूसरा उपाय एक मंत्र की साधना करना है। तब सेठ की पुत्री कहती है कि पिताश्री, मुझसे ये मंत्र साधना नहीं होगा। सेठ अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, तुम मौन रहने की साधना करो और मंत्र साधना मैं करता हूं। संत महाराज ने कहा है कि मंत्र साधना तुम कर सकते हो, इसलिए मंत्रों की साधना मैं करता हूं और तुम मौन रहने की साधना करो। तब सेठ की पुत्री राजी हो जाती है और सेठ अपनी पुत्री को लेकर फिर से उसके ससुराल में पहुंच जाता है। जब सेठ अपनी पुत्री को उसके ससुराल में लेके पहुंचता है तो प्रिय दर्शकों, नहीं तो उसकी समधन बात करती है, नहीं समधी बात करता है और न ही उसके जवाई सा बात करते हैं, कोई भी बात नहीं करता है। अब जैसे ही सेठ अपनी पुत्री के ससुराल वालों के मकान के अंदर प्रवेश करता है तो तुरंत उसकी समधन बोल उठती है और चिल्लाती है कि इस डायन को फिर मेरे घर में लेके आ गए हो, इसको तुरंत ले जाओ। हमने तुमसे पहले ही मना कर दिया था कि इसकी हमारे घर को जरूरत नहीं है। तब सेठ हाथ जोड़कर अपनी समधन से कहता है कि समधन साहब, कि समधन जी, अब ये समझ गई है कि अब ये समझ गई है, अब ये कुछ ऐसा कभी नहीं करेगी। तब सेठ की पुत्री अपने सास के चरणों में प्रणाम करती है और अपने कमरे में चली जाती है। प्रिय दर्शकों, अब सेठ अपनी पुत्री को ससुराल में छोड़कर वापिस घर को आ जाता है। उधर सेठ की पुत्री बिल्कुल मौन साधना करती है, बिल्कुल मौन रहती है। उसके सास ससुर कुछ भी कहते तो कोई प्रत्युत्तर नहीं देती, उसका पति कुछ कहता तो भी कोई प्रत्युत्तर नहीं देती। एक दिन वो सेठ की पुत्री सुबह के वक्त चाय बनाकर अपने ससुर को चाय थमा रही थी, तभी उसके हाथों से चाय का गिलास छूट जाता है और जैसे ही चाय का गिलास छूटता है तो गिलास भी फूट जाता है और प्लेट भी टूट जाती है। तब उसका ससुर बड़ा उस पर चिल्लाता है। जब उसका ससुर उस पर चिल्लाता है तो सेठ की पुत्री को गुस्सा तो खूब आता है, खूब गुस्सा करती है, लेकिन वो मौन रहती है। वो अपने मन में सोचती है कि यदि मेरा पिता मंत्र साधना नहीं कर रहा होता और मैं मौन साधना नहीं कर रही होती तो तुम्हें अभी बता देती कि मैं क्या चीज हूं, लेकिन वो मौन रहती है। प्रिय दर्शकों, इसी तरह एक वर्ष मौन साधना करती है और एक वर्ष में उसको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। इस तरीके से उसका घर वासा बसते हैं। इसलिए कहते हैं प्रिय दर्शकों कि अपनी पुत्री को जितना हो सके अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि माता पिता अपनी पुत्रियों के हर गुनाहों को माफ कर देते हैं, हर गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी भी माफ नहीं करते हैं। इसलिए अपनी पुत्रियों को अच्छे संस्कार दीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि हमारी पुत्रियों के संस्कार अच्छे होते हैं तो उनके भाई या उनके माता पिता जब उनके ससुराल में जाते हैं तो उनके ससुराल वाले उनकी अच्छी आवादर करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। और जब हमारी पुत्री ठीक नहीं होती तो उनके माता पिता का कोई सम्मान नहीं होता है, कुत्ते की तरह दुदकार के उनको भगा दिया जाता है। इसीलिए अपनी पुत्रियों को अच्छे संस्कार दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानियाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।